हिंदी पता है सबको, हिंदी पता है। 10 मिनट लूंगा आपका टाइम, 10 मिनट लूंगा, उससे आगे नहीं है। पहले जानकारी है, इसमें जो भी 10 या 12 महीने का पौधा हम निकालेंगे और यहाँ पे लाने के बाद उसके पहले देखना पड़ेगा, 10 या 12 या 14 महीने का पौधा लाना है, उसको कम से कम 13 पत्ता होना चाहिए और उसका हाइट जो है 1.5 मीटर आना चाहिए। मीटर मतलब लगाने का समय में, लगाने के समय में जो पौधा ला रहा है उसको 12 से लेकर 14 महीने तक आयु, मतलब उसका एज, और 13 पत्ता, 12 से लेकर 13 पत्ता, और उसका हाइट जो है 1.5 मीटर आना चाहिए। उसका जो गर्त है नीचे 20 सेंटीमीटर आना चाहिए, मतलब बढ़िया सा पौधा वही है, हेल्दी। हाँ, हेल्दी। और यहाँ लाने के पहले आपको क्या करना है, 2 फीट का लंबाई चौड़ाई गहराई, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ खोदना है। वो खोद करके बाहर लाने के बाद उसके अंदर अगर मिल गए तो गोबर, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक खाद 1 या 2 किलो मिला के आधा मिट्टी उसमें भर दीजिए और पौधा रख दीजिए। उसके बाद पूरा मिट्टी जो भी है उसका आसपास भरा दीजिए। ये पहला आप करना है। करने के बाद आपको लगातार अगर पानी मिल गए तो ठीक है, पानी नहीं मिला, यहाँ से थोड़ा मौसम अच्छा है और मॉइस्चर भी है, जो भी कमी नहीं है ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर नहीं है तो कम से कम हर एक दिन 20 से लेकर 30 लीटर का पानी सुविधा इसमें से लागू करना है। इसलिए बता रहा हूँ ना, इसको हर एक पौधे के अंदर 2 या 3 पत्ता आने का संभावना है, हर एक पत्ते से गुच्छे भी आने का संभावना है हर एक महीने में। हर एक महीने में मतलब जो भी पत्ता निकल गया 1 साल या 2 साल के बाद निकलता है पत्ते के अंदर से, ये जो फूल फूल निकलता है, वो फूल निकलने के बाद अगर उसके आसपास जड़ जोड़ने के लिए, जड़ फैलाने के लिए, सपोर्ट के लिए चाहिए उसको ताकत, तो ताकत बनाने के लिए जो भी फूल निकलता है 3 साल तक, 2 साल से लेकर के 3 साल तक निकलते रहता है हर एक महीने या 2 या 3, उसको निकाल देना चाहिए 3 साल तक, वो निकाल देना चाहिए। यही स्टेज में निकालना है, अगर इसको फुल बाहर निकला, इसको उसका दम निकल गया, इसी स्टेज में अगर हल्का सा एक इम्प्लीमेंट है डिपार्टमेंट दे देगा, हमारा जो पेटेंट रहे वो दे देगा, वो उससे थोड़ा ऐसा धक्का मार दिए तो बाहर निकलेगा। इसको निकालना है 3 साल तक, 3 साल के बाद आपको जो भी फूल आ रहा है ना उसको निकाल देना चाहिए, मतलब पहले निकालना मत, उसको फूलना चाहिए ताकि हमारा 3 साल के बाद अपने आप निकल के बाहर गुच्छे बनता है। वो छोटा उम्र में कम से कम 3 से लेकर के 5 किलोग्राम तक रहता है। अगर ऐसा ही फूल जो गुच्छा बोलते हैं उसको, हर एक महीने में 2 या 3 रहता है, हर एक महीने में 2 या 3, साल भर में कम से कम 20 से लेकर 30 आता है 8 साल तक, उसके बाद में 10 या 15 आता है। मगर उसको संभालने के लिए हमको क्या करना है, पानी और फर्टिलाइजर दो है। वो आपसे विनती है कि 3 साल से लेकर 30 साल तक आपको 2 विषय आपको मन में रहना चाहिए, उसका उसके आसपास जड़ कहाँ फैला होता है, जड़ के साथ साथ उसको पानी कहाँ देना है, उर्वरक फर्टिलाइजर कहाँ देना है आपको मन में रखना चाहिए। जो भी हमने जस्ट प्लांटिंग कर दिया है उसके साथ साथ आपको मन में रखना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट्स, जो रूट्स निकलता है उनसे वो सपोर्ट के लिए बनता है, वो 2 फीट तक सपोर्टिंग रूट्स आता है ताकि उसका एस्केलेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। उससे क्या होता है, छोटा छोटा बाल जैसा है, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स बोलते हैं, वो कम से कम यहाँ से लेकर के 30 साल तक कहाँ तक फैलाता है, 90% ऑफ द रूट्स 10 या 12 फुट तक रहता है आसपास में। वो गहराई अंदर कितना तक जाता है डीपर, ओनली 2 या 3 फुट तक, 80 से लेकर 90% तक वो 2 फुट तक ही रहता है उसका जड़, उसके आगे नहीं जाता है, मगर ज्यादा से ज्यादा गए तो भी 3 फुट तक जाता है, उसे आगे नहीं था, नीचे डीप जो है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फीट तक रहता है। सो ताकि आपको मालूम पड़ना चाहिए मॉइस्चर, ताकि आपका जो पानी, पानी का सुविधा कितना अंदर जाना है 2 या 3 फुट तक, उस उतना से ज्यादा नहीं है, और आसपास में कम से कम यहाँ से लेकर 2 फुट तक उतना ज्यादा पानी देने का सुविधा इतना रखना नहीं है। इसके बाद
दो फुट छोड़ के 10 फुट तक नमी रहना चाहिए और खरपतवार नाशक करके साफ सुधार रखना चाहिए। और तीसरा, जो भी उर्वरक या फर्टिलाइजर आपका ऑर्गेनिक हो या कंपोस्ट हो या तो पोल्ट्री का या गोट मैन्योर हो, पिगरी हो, जो भी हो, 2 फुट छोड़ के 10 फुट तक के आसपास में जड़ जहाँ पे ज्यादा फैला होता है वहीं डालना है। ज्यादा से ज्यादा 2 फुट से लेकर 8 फुट या 10 फुट तक फैलाना चाहिए ऐसे राउंड पे। जहाँ पे आपका माइक्रो इरिगेशन ड्रिप अगर रखना बोले तो इस पार एक ड्रिप, इस पार एक ड्रिप, उसका ड्रिप का डिस्चार्ज रहना चाहिए 8 लीटर से लेकर 20 लीटर तक, मतलब 8 लीटर पर आवर और 16 लीटर पर आवर और 20 लीटर पर आवर डिस्चार्ज कैपेसिटी का रहेगा ड्रिप का। अगर एक ड्रिप उस तरफ एक ड्रिप इस तरफ रखे तो आसपास में कम 8 मीटर का जगह पे नमी करता है वो पूरा। इट विल बी वेटिंग नियरली 6 to 7 meter रेडियस इनसाइड, लाइक इन्वर्टेड वी शेप मॉइस्चर विल गो इनसाइड। सो जो भी मॉइस्चर मिलता है ना वो जड़ इधर उधर फैला हुआ जड़ से अपने आप पौधे को मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे मॉइस्चर है, नमी है, वही आपको खाद देना है। वेर एवर इट इज मॉइस्चर इज देयर, देयर ओनली यू हैव टू गिव फर्टिलाइजर आल्सो। दीज टू थिंग्स आर क्लियर। नाउ हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द गुड ग्रोथ और बैड ग्रोथ। मैं आपको सबको बताया हर एक महीने में 2 पत्ता आता है या 3 पत्ता आता है हर एक महीने में। वो 3 पत्ता हर मामले में खुला नहीं रहता है। अगर ऐसा ही देखे तो 2 या 3 पत्ता बिना खुला हुआ अगर मिल गए तो ठीक है, मतलब पौधा ठीक है। अगर 3, 4, 5 ऐसा बिना खुला हुआ पत्ता ऐसा निकल गए तो ऐसा रखे तो उसका मॉइस्चर कमी है, मतलब पानी कम है। तो पियर्स अगर हमने ज्यादा पानी पिलाया तभी वो नहीं खोल रहे बोले तो उसका बोरान डिफिशियंसी है। पानी आपका जो रेनी सीजन में मौसम में पानी बहुत रहता है और ऊपर से ऊपर गिरता है, बारिश रहता है, तभी नहीं खुल रहा है बोले तो तब आपको मालूम रहना चाहिए वो बोरान डिफिशियंसी है। कोई पाबंदी नहीं है तो हल्का सा 5 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम अगर बोराक्स डाल दिए तो अपने आप खुल जाएगा। मगर अगर इसको पानी नहीं मिला क्या होता है, ज़्यादा पानी हो गया क्या होता है, अगर पानी नहीं मिला बोले तो अगले आने वाले 2 या 3 साल के बराबर, सपोज नाउ दिस इज जनवरी फरवरी, यू आर सीइंग 3 or 4 leaves करस्पॉन्डिंग दिस मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च आल्सो इज बिना खुला पत्ता ऐसा ही रह गया। 2 साल के बाद में जो इसके से अंदर से जो फूल आने वाला है, गुच्छे आने वाला है, तब कम हो जाएगा 2 साल के बाद, मालूम हो गया ना। अभी ये इरिगेशन का हिसाब से, नमी का हिसाब से, और तीन और बात है, थोड़ा कम उम्र वाला बगान में या आसपास में अगर आपने ज़्यादा कटौती कर दिया या जो जड़ को नुकसान कर दिया है, इधर उधर हल चलाया या ट्रैक्टर चलाया, तभी उसको नुकसान पहुँचेगा जड़ को। अगर अभी नुकसान पहुँच गया मतलब 2 साल के बाद आपका जो पौधे से गुच्छे निकलते आ रहे हैं ना, 2 के हिसाब से एक ही निकलेगा, नहीं तो पूरा नर फल निकल के बाहर आ जाएगा। दूसरा, तीसरा, जो इकट्ठा करके बांध लेते हैं कभी कभी, जो इकट्ठा करके बांध लेते हैं तो इसका जो फोटोसिंथेसिस होना वाला है वो नहीं होगा, कम हो जाएगा। 3 या 4 महीना जो इंटरक्रॉप ले रहे हो तब इकट्ठा करके बांध लेगा, तब उसका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, उसका जो भी फूड मिलने वाला है उसको नहीं मिलेगा। आगे आने वाले 2 साल के बाद कम गुच्छे मिलेंगे, ठीक है। और हरा भरा पत्ता को बिल्कुल मत काटना है कभी भी, देखो कम से कम 30 या 35 पत्ता रहना चाहिए पौधे के ऊपर, ठीक है। इधर उधर हल ना चलाना और गड्ढा नहीं खोदना और इकट्ठा करके बांधना मत और हरा भरा पत्ता मत काटना और इसी के अंदर इंटरक्रॉप नहीं बोना है, ये 10 फुट के अंदर नहीं बोना है और बाकी खाली जगह पे आपका जो भी इच्छा है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जो खाली मिलेगा वहां पे ले सकते हो, मगर इसको नुकसान मत करना, आराम से उसको फैला देना है।
ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको 10 मिनट टाइम मैं ले लिया हूँ। अभी अगर 3 या 4 पत्ता नहीं खुला है अगले आने वाले 3 या 4 महीने में, पौधे के अंदर कोई नमी नहीं है, मतलब आपको सप्लीमेंट्री इरिगेशन थोड़ा सा कम से कम 40 या 50 लीटर हर एक दिन हल्का सा हल्का फुल्का देना चाहिए। मतलब आपका ये मिट्टी बहुत अच्छा है, अगर एक दिन पानी दे दिया जाता है कम से कम एक हफ्ता पानी देने का सुविधा बराबर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर पानी दे तो भी ये अगर नहीं खुला नहीं खोल पाए तो वो बोराक्स का डिफिशेंसी ज़्यादा है। अगर हमने देख रहे तो अभी 3 या 4 पत्ते हैं ना ऊपर का ऊपर, जो भी ड्रेनेज का हिसाब से थोड़ा यूरिया अगर डाल दिए तो हरा भरा हो जाएगा, थोड़ा सा DAP डाल दिए हरा भरा हो जाएगा, नेक्स्ट 3 महीने तक जो भी DAP या यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, हल्का सा। मेरा एक्सपीरियंस मिजोरम में जो भी है मैं बता रहा हूँ, 14वां साल या 7वां साल में कम से कम 3 या 4 टन आ रहे थे हर हेक्टेयर को। 3 साल हमने क्या कर दिया है, उसका मल्चिंग दिखाया, आसपास पत्ते काट करके वो पूरा बिछा लिया वहाँ, उसके अंदर फर्टिलाइजर अप्रैल या मई में एक बार, और दूसरा क्वांटिटी मैं बता दूंगा आपको, लिटरेचर भी दे दूंगा, और अक्टूबर नवंबर मतलब मानसून के पहले मानसून के बाद में 2 बार फर्टिलाइजर दे दिया है 2 हिस्से में, और 3 या 4 साल के बाद 2-3 टन वाला 4 टन वाला है वो 13 टन 14 टन बन गए हर एक हेक्टेयर में, इतना मजबूत है फर्टिलाइजर में। मगर नमी का संरक्षण विधान जो भी है, नमी का संरक्षण कैसा करना, आसपास में जो पत्ता है वेस्ट पड़ा हुआ है और खाली थ्रोने हुए मटेरियल है इसका आसपास यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपको दिखा रहा है ना घास वो पूरा सड़ जाएगा और नहीं निकल पाएगा बाहर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2 या 3 वर्ष के बाद जो भी कटा हुआ पत्ता अगर गुच्छा निकल गया उसको काट के गुच्छे ले लेंगे, जो वेस्ट है गुच्छा पत्ता उसको 3 या 4 टुकड़ा करके आसपास फैला देंगे, वहाँ पे कोई वीड नहीं आएंगे बाहर, तो मल्चिंग को मल्चिंग बोलते हैं उसको, कोई वीड नहीं आएंगे, कोई खरपतवार नाशक स्प्रे करने की जरूरत नहीं, अगर आराम से उसको डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप, यूरिया का इस्तेमाल कम पड़ेगा आने वाले दिनों में, नमी संरक्षण हो जाएगा, खरपतवार भी नहीं आएंगे आपको डिकम्पोज होकर आने वाले दिनों में, नाइट्रोजन या फास्फोरस पोटाश जो भी देना है वो कम करते रहेंगे, ठीक है। ये शब्द बोलने का 10 मिनट या 15 मिनट आपको ले लेंगे। सर ये गोरा वो बाहर खुलना बोलते तो 5% तक, मतलब 5 ग्राम 1 लीटर में डाल के स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो नीचे बोना, मतलब जहाँ भी मॉइस्चर जब भी मॉइस्चर हो तब आपको 50 ग्राम बोराक्स हर एक पत्ते को हर एक पौधे को देना है, अगर 3 साल होने के बाद जहाँ भी नमी हो वही देना है, डीजल होना चाहिए 50 ग्राम्स छोटा सा इतना, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 चम्मच इस तरफ 1 चम्मच इस तरफ बोराक्स। मगर आपको ध्यान में रखना चाहिए पानी कहाँ देना है और उर्वरक या फर्टिलाइजर कहाँ देना है, 2 फुट छोड़ के 3 साल के बाद 2 फुट छोड़ के 10 फीट तक जहाँ पे मॉइस्चर रहता है वहीं डालना है, थोड़ा हल्का डालने के बाद थोड़ा उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए ताकि यूरिया या पोटाश जो भी आसान से वेदर का एवरेशन से या ऑपरेट ना होना चाहिए। सर हमारा एक ऑब्जर्वेशन देख रहा है मेरा ऐसे माला में पूरा गुटी सुटी निकल गया लास्ट में ऐसे पूरा ड्राई होके मर रहा है हाँ पूरा सूख गया माने बाकी ये पूरा ग्रीन ग्रीन है ऐसे वाला पूरा सूख गया और उसके बाद पहले भी ऐसे एक हुआ था पूरा बड़ा होके पूरा सूख गया उसके बाद हम ये क्या बोल बोरस डाला था अभी फिर निकल रहा है और ये वाला अभी ऐसे पूरा पूरा ड्राई होके बैठ रहा है मतलब वो ड्राई हो गया या मर गया मर गया अगर निकलने से बाहर आसान से ना निकल गया मेन जो चीज हो ना ये उतने वाला चीज हो मर गया मतलब वो निकालने से अंदर से नहीं है अंदर से नहीं बीच से हो जाता है अगर निकलने से बाहर आ गया क्या नहीं निकला है सूखा हुआ बीच में सूख जाता है बीच में सूखे टुकड़ा हो जाता है गिर जाता है टुकड़ा होता है मतलब फोल्डिंग हो जाता है सूखे फोल्डिंग वहां पे राइनोसेरस बीटल बोल के एक छोटा सा धागा करके निकल के बाहर जाता है वो सूख करके ऐसा बेंड हो जाए मर जाता है कंप्लीटली ड्राई अगर लेकिन ये साइड सब ग्रीन है लेकिन बीच का सिर्फ ड्राई इसमें है तो यार इसमें दाग हो गई थी इधर देखो नहीं आप तो जो इस्तेमाल कर दिया है ठीक है बोरान का अगर स्प्रे कर दिए तो अपने आप निकल के आ जाएगा मगर वो मर गए मतलब वो 2-3 जो पत्ता रहता है ना बीच में अगर निकल के बाहर आ गए तो वो डिसीज है
रोग है, अगर थोड़ा स्मेल रही तो उसको बावेश में डालना चाहिए। सर मेरा ऐसे करके, मेरा ऐसे करके सर निकल गया बीज का। बीज का निकल गया, हाँ निकल गया, स्मेल आ गए तो उसका निकाल करके फेंक दे के थोड़ा मेरा ऐसे दो तीन गाछ मर गया। थोड़ा सा टुकड़ा लेके उसका निकाल सकते हैं और उसको उसके अंदर 2 ग्राम 1 लीटर के अंदर बावेश में डाल के थोड़ा उसका हल्का फुल्का पानी अभी और 6 हफ्ते के बाद और एक बार डाल दिए तो सर बावेश में डाला भी था मेरा नहीं निकला है सर। ना अगर डीप चले गए तो रोग डीप चले गए तो नहीं निकलेगा। वो प्राइमोर्डिया रहता ना अंकुर, वो मर जाता है। वो अंकुर अगर नहीं मरे तो अपने आप आ जाता है रोग। असल सिख वाले काम दो और कटने का सर ये अभी ऐसे वाला तो काट सकता है ना? हाँ ऐसे वाला काट सकते हैं जो पत्ता पत्ता नहीं है, रिप्रोडक्टिविटी नहीं है और लीफ ऐसा वाला नहीं है, हरा भरा नहीं है, उसको काट सकते हैं, उसको काट सकते हैं। ये वाला लोग, ये लोग, हाँ ये वो लोग, इसको ये नहीं, इसको मत काटिए, ये लिप्स नहीं काटो, जिसमें लिप्स नहीं है सर उसको काट देना, मैंने ओक दोक मारना है, नहीं नहीं पूरा मत काटना है। कभी भी देखो ध्यान से सुनिए, कभी भी देखो हरा भरा जो पत्ता है इसमें कम से कम 30 लेकर के 35 रखना चाहिए, 30-35 हरा भरा पत्ता रहना चाहिए, तभी आपको आसान से अच्छे से अच्छा फूड मिलेगा, वो उसके अंदर ग्रोथ भी अच्छा आएगा। वो 3 साल के अंदर अंदर अभी देखिए शादीशुदा के लिए हम बोलते हैं ना 18 साल 21 साल, वैसे ही इसको 3 साल के अंदर अंदर जो भी गुच्छा है वो निकालते रहना, ताकि 30 साल तक जो भी उम्र है उसका हिसाब से कम 12 से लेकर 24 गुच्छा पोटेंशियल है उसका पर ईयर। वो उसका वजन भी अच्छा निकलते हैं। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने कुछ नुकसान कर दिया है, पीला हो जाएगा, इट विल बी लीन एंड थिन एंड इट विल नॉट बी ए गुड ऑप्शन टू गिव ए पोटेंशियल यील्ड। ठीक है, आपने हरा भरा पत्ता कभी भी नहीं काटना है। ठीक है, होने के पहले ही सॉइल टेस्टिंग करना बोले तो अगर 1 या 10 एकड़ का जमीन में 1 या 2 सैंपल ले लीजिए, जहाँ मिट्टी है, जहाँ पे आसपास में खरपतवार नहीं रहना चाहिए, वीड्स नहीं रहना चाहिए, वहाँ 1 फुट का डीप अंदर लेके ऊपर से नीचे तक, अगर 1 फीट का डीप है यहाँ से एक लेयर ले लीजिए 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर तक, वो 1/2 किलो दे दीजिए। मगर ये बोने के बाद, ये रखने के बाद अगर आपको सॉइल टेस्टिंग करवाना बोले तो यहाँ से लेकर के 1 मीटर मतलब 3 फुट छोड़ के यहाँ एक लंबाई चौड़ाई 2 फुट का गड्ढा खोद लीजिए, उसका थोड़ा स्लाइस ले लीजिए 3 फीट छोड़ के, अगर तेल दाड़ में लेना है सॉइल टेस्टिंग, 3 फुट छोड़ के यहाँ पे गड्ढा खोद के उसका ऊपर से नीचे तक, ऐसा ऊपर से नीचे तक 1/2 किलो मिट्टी ले लीजिए। वो कहाँ लेना है? ऊपर से कम 40 सेंटीमीटर मतलब 1.5 फीट टॉप से ऐसा स्लाइसिंग, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर नीचे का नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, वैसा लेना है इसको। अगर सर 1 किलो हाफ किलो जो नीचे निकलता है वो 1/2 किलो लीजिए, स्लाइसिंग करना है ऐसा। ना साधारण रूप से क्या होता है, 6 इंच का होता है मतलब 50 सेंटीमीटर, मगर इसमें 40 सेंटीमीटर तक जाना है। ठीक है, वो थोड़ा आपको डिफरेंस वही है। हाँ वही, इसलिए मैं खास करके सब लोगों को बुलाया, पूरा काट दिया लेके। एक मिनट आइए, गुच्छा है ना, एक मेल गुच्छा है, इसे गुच्छा बनता है, मतलब मेल मतलब अंगुली जैसा रहता है, फीमेल ऐसा रहता है। इसमें हर एक पौधे के अंदर कम से कम 2000 से लेकर 3000 छोटा इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, फल फूल, वो फूल सफेद रहे तो उसका परागण नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर वो सफेद टर्न हो जाके पिंक बन गया, ये देखिए पिंक कलर, ये देखिए इसको बोलते हैं ट्राइकार्पेलरी ओवरी, वो पिंक बदल गया ना, ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। आपको समझ में आना चाहिए, हल्का सा 5% या 6% तक विंड से होता है, नहीं तो वीविल से होता है। अगर वीविल नहीं है या है, थोड़ा देख के वीविल छोड़ना पड़ेगा बाहर 2 साल के बाद। ठीक है, कुछ कुछ तो किया है इसमें, किया है पूरा बिछा दीजिए और उसके अंदर ये मेल फ्लावर है लंबा अंगुली जैसा, ये मेल फ्लावर, इसके ऊपर परागण रहेगा, इसके ऊपर जो परागण है वो फीमेल के ऊपर गिरेगा अपने आप, विंड से नहीं होगा, बी से नहीं होगा, उसका
छोटा छोटा सा इतना कीटाणु है, उसको बोलते हैं वो परागण का संभव करेगा, वो फर्टिलाइज उसे बन जाएगा। अगर आपका खेती में नहीं है तो बाहर से ला कर लेकर के छोड़ सकते हैं। अगर पासीघाट में बहुत ज्यादा है वहाँ से लेकर के छोड़ सकते हैं। अभी नहीं है, 2-3 साल के बाद वो अभी जो निकल रहा है उसको तो कट के फेंकना पड़ेगा, कट के फेंकना। इससे पहले ही, इसके पहले ही, इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा वाला बिना खुला है, बिना खुला काट करके फेंक देना। नेक्स्ट अच्छा मल्चिंग बनाने को सर कोई नहीं होगा, 19 ये भी लेट हो गया, खुल होल गया वो तो और नहीं निकलेगा। ये सर एक हड्डी लेके थोड़ा सा इतना बड़ा हड्डी लेके इसके अंदर घुसा के इसका निकाल लीजिए और बायोस्टिन डाल दीजिए। इसके अंदर बायोस्टिन डाला है लेकिन नहीं, मतलब अभी भी इतना सा बड़ा वाला थोड़ा खैंची ने तो अगर उससे अंदर मिला लीजिए, आयरन रॉड थोड़ा इसके निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं अंदर का जो भी है उसको जो भी निकाल लिए, निकालने के बाद बायोस्टिन डाल दीजिए, वो आएगा, हरा भरा पत्ता है, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा तो है वो उधर। और एक तो सर ये एरिया में थोड़ा ये एरिया में बड़ा आदमी होता बोला कुछ सोइल या सोवे न्यूट्रन कलर इट्स ओल्ड सर फर्मेंटेड स्मेल हो नहीं वो भी नहीं है, कुछ नहीं वो फाइबर थोड़ा खींच के बारिश में डाल दीजिए, वो मरा नहीं है मगर आ सकता है 50-50 चांस है, वो बिल्कुल आएगा। मेरा आया है, हाँ मेरा पूरा मर गया था। अच्छा वो साइड का पूरा पता था, उसके बाद हम बोरोन डाल दिया, अभी देखा तो फिर एक इतना बड़ा है लेकिन इसे निकल रहा है छोटा छोटा सा, ऐसा हरा भरा बेटा, फिर क्या आएगा, पहले छोटा फिर क्या आएगा, अपने आप 2-3 या 3-4 पत्ते होने के बाद अपने आप खुलेगा, नॉर्मल हो जाएगा। ना तो नहीं होता अपने तेलम रूम मत लगा नहीं उन्हें लिंग पाको इसीलिए इधर आइए, इधर आइए। जो भी आप बता रहे ना, ये रोग भी नहीं है, ये कीड़ा इसके जो अंदर है काट करके निकल गया है, देखिए इसका सिम्टम कीड़ा खाया है, इधर खा के निकल गया। जब भी वो बहुत टेंडर है, टेंडर था वो खा के निकल गया, कोमलिया होते समय खा लिया। ठीक है, अभी ये रोग नहीं है, कीड़ा ऐसा काट करके निकल के बाहर गया, कीड़ा होता है आपको ये देखना पड़ेगा। किसी ने बताया आप मेरा मर गया, ये देखिए ऐसा वाला अगर निकल के बाहर गए तो तब आपको पता नहीं चलेगा, उसके बाद में जब वो अंदर का अगर खींचते हुए नहीं आया, भाई दोबारा इस तरफ खींचा है ये आ गया, ये खा के बाहर चले गया। इसका जो स्मेल आ रहा है ना वो रोग का स्मेल नहीं है, ये नॉर्मल फाइबर का स्मेल है, आप देखिए चाहिए तो। मैं इसलिए पहले मैं करा, इसके बाद में मेरे को पता चला ये खा के चले गए, यहाँ देखिए सिम्टम देखिए, जब भी वो नरमी था, जब यंग था वो खा के बाहर चले गया। उसका मतलब तो ये तो नहीं बचेगा, बचेगा अंदर में ना वो का के मतलब अंदर तक ना कुछ लेवल था इतना तक जहाँ तक ना होने से यहाँ में आपका उधर में कुछ तो मतलब तान बला होता है ना, तान बला तो का दिया तो नहीं निकलेगा। वही अगर नीचे
अगर एक हड्डी निकल गई अंदर अंदर, अंदर 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 गए तो अगर पूरा अंदर गया तो नहीं बाहर नहीं अंकुर मर गया। मर गया। अगर इसको बचाने के लिए क्या करना है, कभी कभी लैम्डा साइलोहेथ्रिन, पता है कराटे बोल के मार्केट में मिलता है, या कुंग फू, क्योंकि एक ml अगर अंदर डाल दिए तो ये जोड़ जो कीटा है कीटाणु है मर जाएगा, ठीक है। और उसके साथ इसके साथ साथ आपके पास बावस्टिन भी रख लीजिए, जब बारिश के समय के पहले अगर एक बार अगर हर एक पौधे को हल्का सा इतना इतना पानी डाल दिया तो वो रोग नहीं आएगा, हल्का सा एक बार ऐसा आपके पास ये स्प्रेयर स्प्रेयर फ्लूइड का थोड़ा ऐसा हल्का सा एक सेकंड ऐसा कर दिए तो उसके अंदर दवा जाएगा, वो रोग नहीं आएगा। सर ऐसे बीच में दे देना है ना सर, इसके अंदर अच्छा ठीक है, ऐसा होता है बहुत ज्यादा ऐसा होता है, लेकिन ये भी और एक है इस वाला दो है दो तीन है तीन हाँ तीन हाँ चौथा हाँ इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। ये स्पिंडल में जो है वो बाहर आने के पहले ही एक राइनोसेरस बीटल अगर ऐसा खा के बाहर निकल के चले गया, दैट्स व्हाई देखिए एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस 1 2 3 4 5 जब ये अंदर रहता ना ऐसा एक बार अगर निकल गए तो स्पिंडल में 3 4 5 जो भी है वो बाहर निकलने के बाद ऐसे निकलता है। मैंने पहले खा लिया, पहले खा लिया अंदर में, इसके अंदर खा लिया इसको, एक वो कीट वो रोग रोग नहीं है, मगर राइनोसेरस बीटल डैमेज इनिशियल स्टेज है, वो मरता नहीं है। अगर डीप इंसर्शन कर दिया इसके वो मर गया, मतलब वो पत्ता मर गया, वो पौधा नहीं मरा, पौधे के अंदर थोड़ा लैम्डा सेल है तो डाल दिए तो ठीक हो जाएगा, अगर निकाल के अगर कीटाणु है तो। यहाँ पे ये देख रहे हैं और ये मरता नहीं, ये मरता नहीं है चीज। इसके आपको क्या करना है, ऐसा अगर प्लांटिंग हो गया या इस तरफ खिला खिला लेना है, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल देना, मिट्टी डालने के बाद आपको ऐसा वाला फिर फिराने और ऐसा मुड़ने वाला पत्ता बाहर निकल के आएगा, और उसको आपको समझना पड़ेगा ये थोड़ा टाइम लगने वाला है, और साधारण रूप से जो पत्ता निकलता है वो आने वाला है, मगर उनके साथ साथ क्या है आपका बगानों में हल्का सा बोरान डेफिशिएंसी भी है, मैं वहाँ पे बताया आपको इसका सिम्टम जो भी है, देखिए 1 2 3 4 पत्ता इकट्ठा करके इसे बांधा हुआ है, और चौथा है कि इस तरफ आइए, रेयरली दिखता है ऐसा, अगर क्रिंकलिंग हो गया इसको बोलते क्रिंकलिंग, मुड़ जाता है, सड़ नहीं आता है मुड़ जाता है, ये भी बोरान डेफिशिएंसी सिम्टम है, ये भी बोरान है। और एक बोरान डेफिशिएंसी सिम्टम है जो 2 या 3 पत्ते के अंदर ना जो स्पिंडल में हल्का सा येलोइश दिख रहा है वो भी एक बोरान डेफिशिएंसी सिम्टम है, आपको दिखा दूंगा लैपटॉप में, 3 या कम से कम 6 से लेकर 7 सिम्टम है हल्का सा, ये क्या है सैंडी सॉइल है ना, अगर ज़्यादा बारिश गिर गया उसके अंदर जो भी बोरान रहता है मिट्टी में वो पूरा निकल के बाहर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका जो अवेलेबिलिटी नहीं है, सो ये भी सिम्टम है, एक बोरान डिफिशिएंसी सिम्टम, वो पत्ता भी मुड़ जाता है, मुड़ भी गया देखो थोड़ा सीवियर है, ऐसा वाला पत्ते पौधे के क्या करना है, थोड़ा मिट्टी डाल के 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा इस तरफ उस तरफ डाल दीजिए अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ तो हिला तो 2-3 जगह से घुसा है, बार बार घुसा है, हिमालय नहीं तो कबू को पाई
चेंदा भी है, मर भी गए, स्मेल आ रहा है, सीखा जा तुम सीखा, मर भी गया, कुबू भी मर गया, चूहा भी मर गया, मर गया, स्मेल आ रहा है, चूहा मत चंदा है ना, चंदा है ना, स्मेल आ रहा है, देखो तो गिर गया काम नहीं सीलिंग कर सीलिंग कर उसके बाद उसके बाद कम से कम 3-4 महीने हो गए मर के अभी कह रहे अगर मरा बोले तो नीचे हुआ पत्ता हल्का सा हरा भरा रहेगा अगर बिल्कुल सड़ा हुआ है 3-4 महीने हो गए मतलब पूरा निकलेगा नहीं है दूसरा साल या तीसरा साल 14 से लेकर 50% तक खाली मिलेगा 3 या मैं बोल दिया ना कम से कम 6 फुट से लेकर 10 फुट छोड़ के ये बाकी हिस्सों में 3 से 4 साल तक जो भी आपको मनमानी है वेजिटेबल या फूल या फल कुछ ना कुछ इसके अंदर बो सकते हैं इसके बीच में इंटरक्रॉप इसके बीच में ले सकते हो मगर उसको आगे वहाँ से लेकर के कम से कम 10 फीट तक छोड़ना है इसी को 10 फीट छोड़ना आपको बाकी कम से कम 3 मीटर का जगह खाली रहता है 3 मीटर का जो भी चाहिए कर सकते हो मगर उसके आसपास मत जाइए 5 साल के बाद सर 3-4 साल तक 5 साल में उसके बाद कुछ भी नहीं करना 5 साल में नहीं अभी नहीं 8 साल तो क्रॉस हो जाएगा ना अभी मैं दिखाता हूँ क्रॉस आ जाएगा रिवर इरिस ठीक है 5 साल में नहीं होगा 5 साल में नहीं होगा नहीं होगा 4 साल से लेकर 8 साल तक कुछ भी नहीं उगा सकते उसके अंदर पूरा सनलाइट नहीं गिरेगा शेड ही आएगा शेड के अंदर जो फसल रहता है वो जिंजर होगा क्या जिंजर जिंजर होगा जिंजर होगा अदरक होगा फूल का होगा फल का भी होगा 7 से लेकर 8 साल के बाद क्या अपना जो लाभ है उसको व्यक्तित करना चाहता है और उसके लिए सर दे वांट टू इन ऑर्डर टू शो देयर लव एंड अफेक्शन दे वांट टू गिव यू टोकन ऑफ लव तो सर ऑन बिहाफ ऑफ दिस सोसाइटी आई रिक्वेस्ट यू टू सर एक्सेप्ट टोकन ऑफ लव एंड मे आई रिक्वेस्ट ये बता देना Thank you very much. Now, sir, you look like a pure Jishi tribe. And we all belong to Jishi tribe. Yeah. Right? And I was assuring Tejuji. Tejuji. Yeah. Once if you are reaping the rich harvest, I will be happiest person among all of you. Then once your first harvest is there, you should remember scientists. Means we have come and helped us in knowing something, but now I learned something. Means your soil, आपका soil कैसा है, मिट्टी कैसा है, मिट्टी में क्या करना है, क्या करने से अच्छा फायदा होगा. Just I will take 20 minutes या 30 minutes ले लूँगा. जी जी जी. जानकारी रखने के बाद we'll discuss again. जी sir. Okay sir. DAO, then joint director,
our unions. So, thanks for visiting my place. I have some little this thing apprehensions on all funding and all. So, is telling you? I was telling you. बढ़ाने के लिए और देश के आत्मनिर्भर भारत के लिए हम ये फसल उगा रहे हैं। हमारे जमीन में कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आमदनी कमाने वाला चीज है। अभी उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स में 10-15 मिनट में बताऊंगा, आपके बाद उसके बाद डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके मन में है डाउट, अभी डिस्कशन हो गया अपना, मेरा डिस्कशन जो भी है प्रेजेंटेशन में मैं बता दूंगा। अगर कोई डिस्कशन में अगर क्लैरिफाई नहीं हुआ, बाद में एंड में पूछताछ कर लेना। अगर डाउट से बाहर बचा, 3 साल तक जो विचार बाहर निकला है, फूल बोलते हैं उसको, वो इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, निकलता है वो काट करके फेंक देना है, उसको बोलेंगे अब्लेशन। एक अब्लेशन साधन भी है, आपको दे देंगे अगर 3 साल के अंदर अंदर जितना लोगों को चाहिए तो। ठीक है, ये परागण इसके ऊपर गिरने के बाद आपको बिच्छा बन जाता है। अगर 3 साल के अंदर अंदर जो बिच्छा निकल रहे, 3 साल के बाद वो रहना चाहिए, रखेंगे। इसको जोड़ने के लिए हल्का सा छोटा छोटा कीटाणु रहेंगे, उसको भी निकल कर, ये देखिए इसको अब्लेशन बोलते हैं। इससे थोड़ा ऐसा हल्का सा इसके ऐसा रहता है ना, नमस्कार जी सर हमारा फूल, इसके यहाँ पर रख के थोड़ा ऐसा हल्का सा दबाए तो वो बाहर निकल बाहर आ जाता है। वो सफेद कलर जैसा फूल निकलता है, हर एक गुच्छे में 2000-3000 तक, वो ऐसा वाले बगानों में बाहर का जो परागण रहता ना आके छोड़ना पड़ेगा। जब आप बाहर से लाते हो, वहाँ पे वो परागण के गुच्छे के ऊपर मतलब मेल फ्लावर के ऊपर दुन भी रहना चाहिए ऑलरेडी बी में, तब आप वहाँ पे छोड़ने के नाते वो दुन अपने आप फैलेगी। 2 या 3 बार ऐसा छोड़ना है, एक ही बार हर एक पौधे के अंदर अंदर अच्छा सा अच्छा मजबूत वाला निकलेगा। और 2 या 3 बार छोड़ना है, एक ही बार छोड़ के बंद करके बैठना मत, 2 या 3 बार, अभी अच्छा मौका है इंसेक्ट का। अगर वो इंसेक्ट बारिश का मौसम छोड़ दिए तो अपने आप मर जाएगा। एक ही से अगर नहीं कुछ नहीं उसको सफाई करने के लिए या कुछ स्प्रे करने के आपने ट्राई नहीं करा, हर एक गुच्छे के अंदर हर एक रो रहता है ना, उसका रो बढ़ता है, रोग है ऐसा रोग पूरा है रहता है, उसको निकाल करके स्प्रे करना है। हम क्या करते हैं, ऐसे रख के फिर स्प्रे करते हैं, ऐसा वाला चीजों के निकालना है, निकाल करके अब तब स्प्रे करना है। अगर एक बार स्प्रे करके हमने संतुष्ट होना मत, 3 हफ्ते के बाद और एक बार करना है, इसलिए वो रोग जो है ना उसके अंदर आगे जाता है, आगे वाले पत्ते में रहता है, गुच्छे में रहता है, उसको निकाल करके छोड़ने के लिए 3 हफ्ते के बाद जो अंकुर रहता है, जो बीज रहता है रोग का, वो भी मर जाता है। ठीक है, और एक बार अगर बारिश ने इस्तेमाल कर दिया, अगले बार कवच क्लोरोथोरिन अप्लाई कर दीजिए, चेंज कर दीजिए क्लोरोथोरिन कवच। अभी एक बार बारिश ने कर दिया तो अगली बार 3 हफ्ते के बाद कवच इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, आपको फ्लावर जब भी निकलता है वो 3 दिन तक परागण छोड़ता है, वो एक्टिव रहता है, मतलब
को ला करके इसके ऊपर गिरने के लिए और उसका 100% फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ताकि वो फीमेल का भी फ्लावर जो रहता है ना वो भी तैयार होके, कितना रहता है कम से कम 2000 से लेकर 3000 तक छोटा छोटा फूल रहता है हर एक गुच्छे में, वो भी तैयार होने के नाते वो सब आइवरी कलर का रहता है वाइट, इसके ऊपर गिरने के लिए धुन चाहिए। धुन कब रहता है, जितना ज्यादा मेल फ्लावर में जब वो रेडी का फ्लावर रहता है उतना ज्यादा वो धुन उसके ऊपर रहता है, मेल में रहता है। वो मेल जितना भी ज्यादा है परागण के साथ परागण के साथ इकट्ठा करके तब उसको काट करके लाना। जब आपका बगान में फीमेल फ्लावर रेडी है, मतलब सफेद जो फ्लावर निकला है वो रेडी है, तैयार है, तब लेके आना। उसके साथ साथ आपको देखना होगा मेल फ्लावर तैयार होकर रेडी रहना चाहिए, इसलिए ये परागण ये एक या दो गुच्छा आपने बाहर से ला लिया है उसमें से लेकर के वो मेल पर ही जाएगा, फीमेल पर ज्यादा देर नहीं बैठेगी, इधर उधर घूमेगा और वो डुबा देगा पूरा परागण को और फिर जाके ऊपर मेल के ऊपर रहेंगे। अगर आपके बगान में मेल नहीं है दो वो मर जाएंगे, इसको आपको दोनों को दिखाना पड़ेगा, मतलब ये नेचुरल है। कोई आपको एक फैक्ट्री जैसा ऐसा लग के ऐसा केला मारो ऐसा अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने आप एक या दो बार अगर ठीक समय पे आप छोड़ दीजिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, फैल जाएगा, कोई चिंता मत करिए। अगर आपका मन में शंक है, एक प्रॉब्लम था मिजोरम में और नागालैंड में असम में पूरा बगान में पूरा फीमेल फ्लावर आ गया, वो गुच्छे बनने वाला है, हमारा आमदनी है, कटौती करके फैक्ट्री को भेजना है और बंच फेली हो रहा है, इसके लिए ये परागण नहीं है। हमने क्या कर दिया है, अगर परागण नहीं है तो अगर बाहर का जो बगान में है वो पॉलिनेट मिल है उसके साथ साथ मेल कर ला कर छोड़ दीजिए दो तीन बार, तभी नहीं हुआ। अब क्या कर दिया हमने, जहाँ पे बगान में पॉलिनेटिंग पोलिन है वो कलेक्ट करके एक स्प्रेइंग बॉटल में 1:4:1:10 अगर 1 ग्राम अगर परागण ले गए तो 10 ग्राम चाक पाउडर मिला के एक स्क्वीज बटन रहता ना स्क्वीज बटन वो दे दिया किसान भाई। जब भी आपका जो पिक्चर रेडी है तैयार है सफेद सफेद फूल इससे निकल रहा है वो स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे करते जाइए दो तीन दिन में पूरा परागण इसमें ऊपर गिरेगा और गुच्छे बन जाएंगे। तब तक ये भी तैयार होता है और धुन है तब छोड़ना है आपको, आस पास में जब भी मेल फ्लावर रहता है उसके अंदर जाएगा और इधर उधर फैलेंगे। वो दोनों इकट्ठा करके साथ कर दिया है हमने, 100% सक्सेस हो गया और जो भी गुच्छा बन गए ना उसका आमदनी है, नुकसान नहीं है आमदनी है। उसको कैसा बनाना है आपका टेक्निक है, उसके टेक्निक छोड़ने के टेक्निक के साथ साथ ये भी कर दिया, 100% सक्सेस हो गया और उसका बगान में अभी तक कोई चिंता नहीं। मगर मतलब जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर प्रॉब्लम रहता है सब लोगों का देश भर में ऐसा ही रहता है। आप मत ऐसे मत सोचिए हमको अकेला है अरुणाचल प्रदेश में, रामगढ़ में ही होगा नहीं तो डरासो में हो रहा है नहीं तो डॉयगुप में हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम 98 में चयन हो गया यहाँ पे, हम कर्नाटका में देखा है, गुजरात में देखा है, गोवा में देखा है और मिजोरम में देखा है और उसका थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन दे रहे हैं। हम भगवान जैसे आके वो होम बोम पुश हो रहे हैं नहीं बोल रहे, ऐसे टेक्निक आपके हिसाब से कैसा करना है क्या करना है आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सर सिंचाई का जरूरत होगा तो इसको बंद किया जाएगा देन ऊपर आएगा, जब सिंचाई का जरूरत नहीं होगा IHP मोटर विल बी एनफ टू सुनो सर आप प्रॉब्लम इधर तो पते पकड़ो हरो रूप पते पकड़ो सर This is also a small. This is another. Yeah. 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 Ye
So we'll have a photo here. World for mental copy with master. ये है हम लोग का लंच का स्पॉट, पिकनिक स्पॉट पहुंच गया। ये चौथा नाला, कसौचली नाला। स्टेक होल्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेलपम ऑग्नेवे टी एस पी प्रोग्राम आयकर इंडियन इंस्टीट्यूट वेलपम रिसर्च गुडावर डिस्ट्रिक्ट आंध्रा। जानवर अच्छा।